सबसे पहले मैं आपको माहिरा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि मैं एक थोड़ी सी ब्रेक के बाद क्लास 9th के मैथमेटिक्स को लेके आया हूँ, लेकिन मुझे ऐसा मानना है, मुझे ऐसा ये एक फर्म फेथ है कि मैं आज के बाद रेगुलर मैं आपकी क्लास की वीडियो अपलोड करूँगा। रेगुलर अपडेट होंगे, किसी कारणवश वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अब मेरा ऐसा मानना है कि आज के बाद जितने भी आपके पर डे आप चाहें तो एक एक वीडियो आप देख सकेंगे पर डे आपके माहिरा क्लासेस जो चैनल है, इस चैनल पे रेगुलर आपके एक एक वीडियो अपलोड होते हुए दिखेंगे। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के पहले के कुछ बेसिक कंसेप्ट के, जिसको जाने बगैर हम मैथमेटिक्स में 1.3 को टच नहीं कर पाएंगे। देखो, मैथ पढ़ना, मैथ पढ़ाना और मैथ सीखना, इनमें बहुत बड़ा डिफरेंट होता है। पढ़ाने को मैथ कोई भी पढ़ा लेगा, मैं एक्चुअल में आपको पढ़ाने नहीं, मैं आपको सिखाने आया हूँ कि आप मैथमेटिक्स के हर क्वेश्चन को आप कैसे पूरी कॉन्सेप्ट के साथ आप लगा पाओगे। मैं एक एक चीज़ें पूरी डिटेल्स में बात करूँगा। ये मान के कि आपकी मैथमेटिक्स अगर बहुत से वीक से भी वीक होगी तो आप उसे आसानी से हैंडल कर लोगे। इसलिए आप अगर हमारे चैनल पे नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, अगर आप पहले से वीडियो को देख रहे होगे तो लाइक करोगे, कमेंट करोगे और शेयर करना कभी भी नहीं भूलोगे। मैं इसमें एक्सरसाइज शुरू होने से पहले इसकी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें जान लेना चाहिए और उसको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हम जानेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ से जम करके वहाँ से या नहीं, बिल्कुल मैं स्टेप बाय स्टेप करके आपको पूरी डिटेल्स में बताऊंगा, किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं आने दूंगा, ऐसा ये मेरा मानना है। ओके, हम अपने टाइम बिना वेस्ट किए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए हमारा पहला क्या चीज़ है, ये क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 1.3, इससे पहले की बेसिक कंसेप्ट है। इसमें हम पहले स्टडी करेंगे रियल नंबर किससे मिलकर बना होता है। भाई अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसके बारे में इमेजिन करते हैं, क्या है, है क्या आखिर ये, तो मैं देखूंगा जो हमारे पास ये वास्तविक संख्या है, पहले ये फील करेंगे कि ये बना किससे है। तो हम देखेंगे कि जो वास्तविक संख्याओं की निर्माण होती है वह रैशनल एंड इरैशनल नंबर मींस परिमेय और अपरिमेय संख्या, ये दो मिल करके वास्तविक संख्याओं का निर्माण करते हैं। अब परिमेय संख्या क्या होगी, मैं इसकी भी बात करूंगा। अब देखिए सबसे पहले, हालांकि मैं जहाँ तक मेरी मानना है कि मैं बेसिक शुरू करने से पहले ही इन सभी चीज़ों के पूरी डिटेल्स में बात किए थे, लेकिन हो सकता है दिमाग से उतर गया हो, तो इसलिए मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, बस उल्टा रिपीट कर रहा है। आपसे कोई पूछे ये वास्तविक संख्या किनसे किससे मिलकर बना है, तो आप बताओगे परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर के वास्तविक संख्या बनाती है। अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो देख लो आप पढ़े हो, जो परिमेय संख्या होती है ये होती है 1/2 हो गया, -3/2 हो गया, 5 हो गया, ये सब के सब जितनी भी है संख्याएं, ये सब के सब आपके परिमेय संख्या। इनके अलावा हमारे पास ये रूट वाली कुछ संख्या होती है, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, पाई हो गया, ये सारी संख्याएं भी आती हैं। तो इन संख्याओं का हम क्या नाम देंगे, तो ये सब संख्याएं अपरिमेय संख्या है। तो पहला चीज क्या समझे आप कि हमारे पास जो वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं ये किनसे किनसे मिलकर बनी होती है, तो हम बताएंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है। अब परिमेय संख्या क्या होती है, तो देखो 1/2, -3/2, 5, ये सब परिमेय संख्या होती है। वी कैन से कि वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं, होते हैं वो नहीं, वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो भी संख्याएं p/q के रूप में होती हैं वह सब के सब परिमेय संख्या है, ये मान रहे हैं हम, तो गलत है, क्योंकि ये 1/√3 है ये भी p/q के टर्म में है। बट प्रॉब्लम ये है, ये p/q के टर्म में है बट इसे हम लिख नहीं सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ इंटीजर नंबर, क्योंकि ये एक सॉरी दिस इज नॉट ए इंटीजर नंबर, यह एक इंटीजर नंबर नहीं है। तो हम p/q के रूप में सिर्फ उन्हीं संख्याओं को व्यक्त कर सकते हैं जो पूर्णांक के फॉर्म में होती है, उनको सिर्फ p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब ये 1/√3 है, इसको नहीं व्यक्त कर सकते, तो हम चाहे तो आसान भाषा में बोल सकते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त की जा सकती है उन्हें हम कहते हैं परिमेय संख्या, और वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती है उन्हें हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। ये पढ़ के आए हैं हम बेसिक चीजों में। अब ये परिमेय संख्याओं में क्या क्या आ जाते हैं, तो परिमेय संख्याओं में जितने पूर्णांक होते हैं
वह सब के सब पूर्णांक भी आ जाते हैं। क्योंकि सर पूर्णांक क्या होते हैं, तो ये देख लो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये डॉट डॉट ये सब पूर्ण संख्या। इनमें अगर मैं मिला दूं -1, -2, -3 डॉट डॉट, तो अब जाके ये पूर्णांक बन जाता है। तो मेरे कहने का मतलब कि परिमेय संख्या में कौन कौन होते हैं, तो जितने पूर्णांक आते हैं वह सब आ जाते हैं पूर्णांक में। उसके बाद जितने भिन्न के रूप में लिखे होते हैं, जितने पूर्णांक, जितना ये पूर्णांक दिख रहा है ये पूर्णांक भिन्न के भी रूप में हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 3/5 हो सकता है, यानी यही पूर्णांक इस भिन्न के रूप में भी लिखा हुआ हो सकता है। तो ये जितने भी भिन्न होंगे वह भी सब किस में आ जाएंगे, परिमेय संख्या। तो आसान भाषा में हम सुन लेंगे कि वास्तविक संख्या किन से मिलकर बनी होती है, तो हम बताएंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है। अब परिमेय संख्या किन से मिलकर बनी होती है, हम बताएंगे पूर्णांक और भिन्नों से मिलकर बनी होती है। भिन्न में 1/2 हो गया, -5/3 हो गया, 7/5 हो गया, ये सब के सब भिन्न होते हैं। तो ये पूर्णांक और ये भिन्न, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, परिमेय संख्या। इन फॉर्म में परिमेय संख्या पूर्णांक और भिन्न के फॉर्म में ही होती है। अब ये है सर पूर्णांक किससे बने होते हैं, तो भाई आप देख लो, ये धना आप खुद ही देख सकते हो पूर्णांक किससे मिलकर बने होते हैं। तो हम जानते हैं ये पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक ये प्राकृतिक संख्या मिला देने पर जो भी संख्या मिलती है उन संख्याओं का हम नाम दे देते हैं पूर्णांक। ये पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक भी हो सकते हैं, ये पूर्ण संख्याएं भी हो सकती हैं। क्या बात समझ में आया, थोड़ी सी बाय मिस्टेक है ये वाला, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ऋणात्मक परिमेय, यहाँ ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या रहेगा, मैं इसको जरा इरेज कर दूं, इरेज ये, पूर्ण संख्याओं में ये ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या होती है जिनको मिलाया जाता है। ओके, हम देखेंगे कि इन पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या मिला देते हैं तो क्या बन जाता है पूर्ण। अब ये है सर ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या की बात कर रहे हैं आप, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, हाँ ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या मिलाने पे ही पूर्णांक बनते हैं। देख सकते हो आप, ये आपका यहाँ से ये पूरा का पूरा इधर पूर्ण संख्या है और ये क्या चीज है, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या है, तब जाके क्या बना है, पूर्णांक बना है। अब कहोगे सर ये जो पूर्ण संख्या है ये वाला, थोड़ा सा एरो मिस्टेक लग गया है, प्रिंट करने वाला थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया है लग रहा है, ये ऐसे मैं इसको ठीक कर दूं। ये पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य ऐड कर दे, मिला दे, अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1, 2, 3, 4, 5 ये डॉट डॉट, ये सब के सब प्राकृतिक संख्या है। अगर मैं इसमें शून्य मिला दूं, जोड़ नहीं दूं, मिला दूं, तो क्या बन जाता है, ये पूर्ण संख्या बन जाता है। क्या बात समझ में आया। अब सर पूर्ण संख्या तो प्राकृतिक संख्या में शून्य मिलाने से बनता है, तो ये पूर्ण संख्या है। तो ये प्राकृतिक संख्या क्या होती है भाई, जो संख्याएं हम अपने दैनिक जीवन में गिनने के लिए प्रयोग करते हैं उनका नाम होता है प्राकृतिक संख्या। दैट मीन्स 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 डॉट डॉट, इन संख्याओं का नाम होता है प्राकृतिक संख्या, क्योंकि वे संख्या जो गिनने के लिए प्रयोग की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये होता है प्राकृतिक संख्या। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा, एक बार मैं अपनी बातें दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। पहला क्या, वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर जो बना होता है वास्तविक संख्या है। उसके बाद परिमेय संख्या में क्या क्या आ जाते हैं, पूर्णांक और भिन्न आ जाते हैं। पूर्णांक में क्या आते हैं, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या आ जाती है। पूर्ण संख्या में क्या आ जाती है, प्राकृतिक संख्या और शून्य आ जाता है। प्राकृतिक संख्या में क्या आता है, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब के सब जो गिनने के लिए संख्या प्रयोग की जाती है ये प्राकृतिक संख्या है। दैट इज द इंट्रोडक्शन, ये एक इंट्रोडक्शन है, मैं सिर्फ बताया हूं, परिभाषा तो नहीं है, क्योंकि परिभाषा इसके जस्ट पहले वाले वीडियोज में मैं 1/1 करके सारा परिभाषाएं दिया हूं, आप चाहे तो उसे आसानी से याद कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होंगे। दोबारा से मैं अपनी बातें रिपीट कर रहा हूं, सुनेंगे ध्यान से। वास्तविक संख्या किन से मिलकर बना होता है, तो बताओगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर के क्या बना लेते हैं, वास्तविक संख्या। मीन्स वास्तविक संख्या में कौन कौन आते हैं, तो आप बोलोगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आते हैं। परिमेय संख्या में कौन कौन आते हैं, तो पूर्णांक और भिन्न आते हैं। उसके बाद से पूर्णांक में क्या आते हैं, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या आती है। पूर्ण संख्या में क्या क्या आती है, प्राकृतिक संख्या और शून्य आती है। प्राकृतिक संख्या में क्या आती है, तो 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट ये आती है। बातें समझ में आया,
अगर आपसे कोई पूछे, आप पढ़ाई उस लेवल की करो, उस लेवल की कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे तो उसका आंसर जुबान पे आए, पूरी उसकी कुंडली खंगाल दो, तब जाके आपको आ पाएगा। बातें समझ में आए? लास्ट बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर मैं आगे चला जाऊँगा। पहला, वास्तविक संख्या में कौन कौन संख्या होती हैं? तो बोलोगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में कौन कौन संख्या होती हैं? तो पूर्णांक और भिन्न होते हैं। पूर्णांक में कौन कौन से होते हैं? तो ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या में क्या क्या होते हैं? तो प्राकृतिक संख्या और शून्य होती है। अब प्राकृतिक संख्या में तो 1, 2, 3, 4, 5, ये प्राकृतिक संख्या होती है। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? अब देखिए इसमें क्या बात करेंगे, थोड़ी सी आप, थोड़ी सी नहीं, कुंडली देख लो भाई। अब बात करेंगे वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार क्या है? क्या है दशमलव प्रसार? तो देखिए दशमलव प्रसार आप किसको मानोगे, किसको मानोगे दशमलव प्रसार? जैसे हमारे पास एक संख्या 5 है, 5 में हम 2 से भाग दे रहे हैं, 2 दुनी के हो जा रहा है 4, 5 में से 4 घटाएंगे 1 होगा, 5 में से 4 घटा देंगे 1 होगा। अब देखेंगे जरा वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार क्या होते हैं, मतलब वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार से मैं क्या समझ सकता हूं, किसको मानेंगे वास्तविक संख्याओं का यही दशमलव प्रसार होता है। तो पहले इस चीज को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, और एग्जांपल के थ्रू मैं बहुत क्लियरिटी में दशमलव प्रसार क्या होता है मैं इसको सिखाऊंगा नहीं, इसका फील दिला रहा हूं। देखेंगे जरा, मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको कवर कर रहा है। जैसे अगर कहीं पे लिखा हो 2/5, ये 5/2 ऐसे लिखा हो, पहले हम समझेंगे कि जो ये 5/2 है इसका दशमलव प्रसार है क्या, पहले इसको फील करेंगे हम। तो ये समझने के लिए आसान सा तरीका, ये 5 है तो लिख लेंगे 5 और इसमें नीचे वाले से भाग करते हैं 2 से, ये 2 दुनी के 4, 5 में से 4 घटा देंगे 1। अब 2 का भाग इस 1 में नहीं जा पाएगा, तो हम यहाँ पे एक दशमलव बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे भैया? एक दशमलव, ये वाला दशमलव लगाएंगे। जब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा, अब 2/5 जा हो जाएगा 10, 2/5 हो जाएगा 10, अब घटा दो तो मिल गया 0। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 5 में 2 से भाग दिया तो मेरे को आया कितना, कितना मेरा रिजल्ट आया? 2.5। तो जो आपका ये 2.5 है ना, ये वाला 2.5, ये आपका दशमलव प्रसार है, इसको बोलेंगे दशमलव प्रसार। ये है दशमलव प्रसार, इसको आप फील करोगे ये दशमलव प्रसार है। अब देखो सर, दशमलव प्रसार तो पता चल गया कि दशमलव प्रसार ये होता है, इसके कुछ टाइप्स भी होते होंगे ना सर, इसके कुछ प्रकार भी होते होंगे। हाँ, इसके प्रकार भी होते हैं, एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। सर शांत और अशांत क्या होता है? सर शांत और अशांत क्या होता है? तो देखना, कुछ दशमलव प्रसार ऐसे होते हैं जो लगातार कंटिन्यू रिपीट होते जाते हैं, एक संख्या ऐसी आ जाती है जो लगातार रिपीट होती है। जैसे मैं बात कर लूं 1/3 का, फील करना जरा 1/3, यहां एक एग्जांपल ले रहा हूं 1/3। अब मैं इस 1 में 3 से भाग दे के देखूंगा क्या आता है। तो मैं इस 1 में अगर 3 से भाग दे रहा हूं तो भाग तो नहीं जा पाएगा ना, तो 0 लगा के दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बन जाएगा, ये 3 3 9 होगा, फिर यहाँ 10 में से 9 घटाओगे 1, यहाँ दशमलव है 0 बढ़ जाएगा, फिर 3 3 क्या होगा 9, फिर 10 में से 9 घटाएंगे 1, दशमलव है 0 बढ़ जाएगा, फिर 3 3 क्या होगा 9, ऐसे। इसका मतलब 0.333333 ये बार बार आएगा, तब तक आएगा जब तक ये कट ना जाए, तो भाई तो कटेगा नहीं ना कभी। तो इसका मतलब ये 0.33 बार बार आए। मैंने दो मैंने परिमेय संख्या लिया, एक लिया मैंने 5/2, तो मैंने देखा ये दशमलव के कुछ स्थान तक जाने के बाद ये कट गया, अब आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन मैंने एक परिमेय संख्या लिया, ये तो दशमलव के बाद लगातार एक संख्या लगातार रिपीट हो रही है। तो जो जो परिमेय संख्या दशमलव के
कुछ अंक बाद तक जा करके कंप्लीट समाप्त हो जाते हैं, वह क्या होते हैं? शांत। जैसे ये 2.5, अब इसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो ये शांत है, लेकिन 0.3333 यानी इसमें दशमलव के बाद एक ऐसा अंक है जो बार बार आ रहा है, इतनी बार आ रहा है कि हम गिन नहीं सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अशांत। क्या बात समझ में आया? अब आपको समझ में आया दशमलव प्रसार ये होता है, देर आर टू टाइप्स, ये दो तरह के होते हैं, एक होता है शांत और दूसरा क्या होता है? अशांत। अब शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं? तो दशमलव का वह प्रसार जो दशमलव के कुछ अंकों बाद तक जाके समाप्त हो जाता है वह क्या होता है? शांत। और जो नहीं समाप्त होता है वह क्या होता है? अशांत। ठीक है, ये समझ में आ गया सर? दशमलव के बाद ये समाप्त हो गया तो शांत, ये दशमलव के बाद नहीं समाप्त हुआ तो अशांत। अब देखो ये अशांत भी दो तरह के होते हैं, एक होता है अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती। बात समझना जरा, ये अशांत दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती का मतलब दशमलव के बाद जैसे ये आ गया 0.333333, दशमलव के बाद एक ही संख्या लगातार रिपीट हो रही हो वह क्या होगा? अशांत आवर्ती। और एक ऐसा होता है जो दशमलव के बाद लगातार एक ही संख्या रिपीट नहीं होती है, अलग अलग आती है। जैसे ये आ गया 0.10, अब 100 आ गया, 1000 आ गया, 1 ये 40 आ गया, ऐसे। तो ये दशमलव के बाद लगातार एक ही अंक का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो 10 था, इमेजिन समझने के लिए, यहाँ 10 था, यहाँ 100, यहाँ 1000, यहाँ 10000, ये ऐसे हो गया। यानी दशमलव के बाद एक ही अंक का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। अगर दशमलव के बाद एक ही अंक लगातार बार बार आए तो बस अशांत आवर्ती होगा, लेकिन अगर दशमलव के बाद एक ही अंक लगातार बार बार नहीं आए, बदल बदल के आए बट वह समाप्त नहीं हो, वह क्या होगा? अशांत अनावर्ती होगा। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? ये होता है इसमें, इसका फील आ गया होगा। आपसे कोई पूछे वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, तो वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या है? तो आप एक परिमेय संख्या लोगे और भाग दोगे, जो भागफल मिलेगा वही क्या होता है? दशमलव प्रसार होता है। अब ये भागफल दो तरह का मिलेगा, एक शांत हो सकता है, एक क्या होगा? अशांत। शांत होने का मतलब दशमलव के बाद कुछ स्थान तक जाने के बाद वह कट जाए तो शांत, और नहीं कटे तो अशांत। अब अशांत में भी दो तरह के होंगे, एक होगा अशांत आवर्ती, यानी दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार आए तो अशांत आवर्ती, अगर अलग अलग आए तो अशांत अनावर्ती। ये होते हैं इसके कंसेप्ट। बोलो फील आया कि नहीं आया? इसमें किसी प्रकार की कोई डाउट? तुम्हें कहीं नहीं जाना है भाई, इस चैनल पे वो सारी चीजें अवेलेबल होंगी जिसको आपकी जरूरत है। एक बार पढ़ के तो देखो, मैथ का फील आ जाएगा तुम्हें, कंसेप्ट की बात नहीं कर रहा, फील आ जाएगा, फील आ जाएगा तुम्हें मैथ का, क्या होता है मैथ, कैसे कैलकुलेट होता है, ये सारी चीजें इसमें पूरी फील के साथ समझ में आएंगी। ठीक है, अब देखें जरा इस पे क्वेश्चन करें। ये एक्सरसाइज 1.3 का, ये 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। कह रहा है क्या? निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है ये बताइए। प्रत्येक का दशमलव किस प्रकार का है ये बताइए। शांत है, अशांत है, अशांत में दो होते हैं, अशांत आवर्ती है कि अशांत अनावर्ती है, ये हमें बताने हैं। ठीक है, जिसमें पहला 36/100, इसको कैलकुलेट करेंगे, 36/100 इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे। निकालने के लिए हम इस नीचे वाले से हमेशा ऊपर वाले में भाग देते हैं, हमेशा जब भी मेरे को डिवाइड करना होता है हमेशा हम हर से अंश में ही डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 100 से हम 36 में भाग देंगे, ऐसे भाग नहीं जा पाएगा भाई, क्योंकि 36 छोटा है और 100 क्या है, बड़ा है। भाग जाने के लिए 100 से बड़ा अंक यहाँ पे चाहिए तब भाग जाएगा, तो अब नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, हमारे पास एक फंडा है कि 0 लगा लेंगे और 0 लगाने के बाद यहाँ 10 लगाएंगे। ठीक, जब 10 यहाँ लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, अब तो 360 हो गया ना, तो 100 का पारा 3 बार पढ़ सकते हैं, 100 × 3 = 300, 100 × 4 = 400 होगा, तो ये 400 तो है नहीं, ये तो 300 है, तो 100 × 3 = 300 यहाँ पे।
अब ये घटाएंगे तो हो जाएगा जीरो, ये हो गया छः, और तीन में से तीन ये मर गया, क्लियर। अब देखो फिर अब भाग नहीं जाएगा तो भैया एगो दशमलव लगा दिए, जीरो देता जाएगा, सौ छः के क्या हो जाएगा 600। अब तो ये घटाएंगे तो कट गया, कितना आ गया 0.36, ठीक। अब कह रहा है इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत है या अशांत है, तो अभी मैं आपको बताया हूँ, अगर दशमलव के बाद कुछ अंकों तक जाने के बाद संख्याएं समाप्त हो जा रही हो तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, और नहीं अगर समाप्त होंगी तो क्या होता, अशांत। तो ये देखो भैया समाप्त हो जा रही है तो हम क्या लिख देंगे, शांत, बस आंसर हो गया। इतनी छोटी छोटी बातें हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, ये आया है 1/11, ये कैसे हल हुआ, इसका मतलब कि इस एक में 11 से भाग देंगे, तो भाग दे दो ना एक में 11 से, क्या भाग जा पाएगा, भाग जा पाएगा नहीं, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे जीरो लगा के हम दशमलव बढ़ा लेंगे, हम दशमलव बढ़ाएंगे तो क्या होगा, या एक जीरो बढ़ जाएगा, अब भी भाग नहीं जा रहा, अब भी 10 में 11 से भाग नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे, तो इसके लिए अब हमको दशमलव ये नहीं एक और ये दशमलव मत लगा देना, अब इसके बदले जीरो बढ़ाना पड़ता है, तो यहाँ जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ जीरो बढ़ जाएगा। अब 11 का पहाड़ा 9 बार पढ़ सकते हैं, तो 11 नवा हो जाएगा 99। अब यहाँ देखो 100 में से 99 घटा दो, प्यार से एक बच जाएगा, बोलो भाई प्यार से एक तो बचेगा ना, यहाँ एक बच जाएगा, फिर देखो आ गया एक, फिर भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ दशमलव है तो इसके बदले एगो जीरो बढ़ गया, फिर भी भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ एक जीरो बढ़ा देंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा। अब 11 नवा क्या हो जाएगा 99। अब आप देखो जरा 100 में से 99 घटा देंगे क्या मिलेगा एक, ठीक। अब भी भाग नहीं जाएगा, यहाँ दशमलव है जीरो बढ़ जाएगा, अब भी भाग नहीं जा रहा तो यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, अब जीरो बढ़ेगा, 11 नवा क्या हो जाएगा 99, फिर एक आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोसेस कटने वाला नहीं है, नहीं है कटने वाला, क्या करेंगे, नहीं है कटने वाला तो बराबर के इधर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे 0.09 09 09, ये बार बार आ रहा है ना, बार बार लिख देंगे। तो आप देखो एक ही ऐसी संख्या है जो बार बार रिपीट कर रही है, सर वो कौन सी संख्या है, 09 09 09 09 09, बार बार यही रिपीट कर रही है, अलग अलग संख्या नहीं आ रहा है। तो जब एक ही संख्या है बार बार रिपीट करे तो आपको बताए हैं कि उसका नाम क्या होता है, अशांत आवर्ती। एक ही संख्या बार बार रिपीट करे, यहाँ 0.01 01 01 01 01 बार बार रिपीट करे, या 0.02 02 02 02 बार बार रिपीट करे तो यह अशांत आवर्ती है। लेकिन बदलता जाए, देखो यहाँ 10 यहाँ 20 यहाँ 30, ये बदलता जा रहा है, तो इसका मतलब ये अनावर्ती है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, यहाँ 09 09 09 बार बार आ रहा है, इसका मतलब कि यह अशांत आवर्ती है। ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, यह अशांत आवर्ती है। सर इसका कोई स्टार्ट रूप है क्या, है क्या है, तो कुछ नहीं, 0.09 लिख देंगे और इसके ऊपर बार लगा देंगे, और ये मान लेंगे बार बार आया है इसलिए मैंने इसके ऊपर बार लगा दिया, तो ये भी आंसर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, चलेगा, दोनों में कोई भी आंसर हो सकता है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ये आया है 401/8, सर इसको कैसे करेंगे, ये तो भिन्न पूर्ण रूप से नहीं दिख रहा है, तो बदल लो ना भिन्न में, क्या करोगे इसके लिए, क्या करेंगे हम इसके लिए, तो हम क्या करेंगे, ये गुणा कर लेंगे, 8 * 4 = 32 और 1 मिलके क्या हो जाएगा 33, और बट्टे क्या हो जाएगा 8। अब इस 33 में 8 से भाग तो दे सकते हैं ना, क्यों नहीं दे सकते हैं, तो दे दीजिए ना भाग, दे दीजिए भाग, ये 33 में हम 8 से भाग देंगे, क्या भाग जाएगा, हाँ क्या बार जाएगा, तो 4 बार, 8 * 4 हो जाएगा 32। अब 3 में से 2 घटा देंगे 1, ये तो मरेगा ना, इसको छोड़ देते हैं मरेगा, तो अब क्या 8 से 1 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा, क्या करेंगे इसके लिए, कुछ नहीं करेंगे, बस हम यहाँ दशमलव बढ़ा देंगे, सर दशमलव बढ़ाने से क्या होगा, तो यहाँ पे 1 0 बढ़ जाएगा, अब तो भाग जा सकता है ना, हाँ जाएगा, कितनी बार जाएगा, तो 1 बार, 8 * 1 = 8 हो गया, 10 में से 8 घटा दे 2 बच गया, सर अब तो नहीं जा रहा, तो दशमलव लगा दिए हो ना, तो इसके बदले 1 0 बढ़ाते जाओ, अब 8 * 2 = क्या हो जाएगा 16,
अब 20 में से 16 घटा के देखो 4 बच रहा है, या दसवां है 0 बढ़ गया, अब 8 पच्चे कितना हो जाएगा 40, यहाँ हो जाएगा, अब घटाएंगे तो कट गया। तो आप देखो इसका दसवां प्रसार क्या आया है, इसका बोलो कितना आया, 4.125। देखो दशमलव के कुछ स्थान के बाद जाके कट गया ना, पूर्ण रूप से कट गया ना, तो जब कट जाएगा तो इसका दशमलव प्रसार कैसा मिलेगा, शांत मिलेगा भाई, शांत मिलेगा, यानी ये शांत है, हलचल नहीं है इसके अंदर, ये शांत है। आंसर हो गया, क्या फील आया होगा इसका, एकदम फील आएगा ना, एकदम फील आएगा इसका, ठीक है। अब देखेंगे इसके बाद ये चौथा क्वेश्चन आया है, 3/13, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अब मैं इस 3 में इस 13 से भाग दूंगा और देखेंगे कि इसका दशमलव प्रसार कैसा आ रहा है। तो भाग देते हैं, यहां हम 3 में 13 से भाग देंगे, यहां इस 3 में 13 से भाग देंगे, क्या भाग जा पाएगा, कतई नहीं जाएगा भाई, कैसे भाग चला जाएगा, 3 छोटा है 13 बड़ा है, कैसे भाग जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो नहीं जाएगा। तो मेरे पास मेथड है भैया, 0 बढ़ा लेंगे और इसके बाद से दशमलव लगा लेंगे, खुद ही 0 बढ़ जाएगा, एक ठो खुद ही 0 बढ़ गया, अब तो जा सकता है ना, अब तो जा सकता है, हाँ जाएगा, कितनी बार जाएगा, तो 2 बार, 13 दूनी के कितना हो जाएगा 26, अब घटा दो, क्या 0 में से 6 जाएगा, नहीं जाएगा, ये हासिल देगा 10 हो गया, 10 में से 6 घटा दो 4 मिलेगा, और यहाँ 2 में से 1 घटा दो 1 मिला, सॉरी, 13 दूनी के 26 होगा, 10 में से 6 घटा दो 4 मिलेगा, यहाँ 2 में से 2 मर जाएगा, सर अब भी भाग जाएगा, हाँ कैसे, 4 तो छोटा है 13 बड़ा है, भाई दशमलव लगा लिए हो ना, तो यहाँ 0 तो बढ़ता जाएगा, कहने की जरूरत नहीं है, बढ़ता जाएगा, कंटिन्यू बढ़ेगा, तो यहाँ दशमलव है तो 0 बढ़ जाएगा, अब क्या होगा, 13 3 39, ऐसे अब देखो क्या 10 में से 0 में से 9 जाएगा, नहीं जाएगा ना, ये हासिल देगा 10 में से 9 घटा दो 1, ये 3 से 3 मर जाएगा, सर क्या अब भाग जाएगा, कहाँ जाएगा, सर दशमलव है 0 बढ़ा देते हैं, हाँ बढ़ा के देखो अब भी तो नहीं जाएगा, हाँ 0 बढ़ा लो एक और, तो अब एक और 0 बढ़ेगा, अब 13 7 91 91, अब तो जा सकता है ना, हाँ सर जा सकता है ना, जाएगा, अब 10 में से 1 घटा दो 9, या 9 बचा, 9 में से 9 घटाओ मर गया, सर अब दशमलव है फिर 0 बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा, अब कितने बार जाएगा, 13 6 78, 13 7 91, 13 6 78, 6 बार जाएगा, कर लो, 0 में से 8 नहीं जाएगा, हासिल देगा 10 होगा, 10 में से 8 घटा देंगे तो अब ये 8 में से 1 घटा देंगे, 8 में से 7 घटा देंगे 1, अब दशमलव है बढ़ जाएगा, अब 13 9 117, 0 में से 7 तो घटाएंगे, नहीं घटेगा ना, ये इसको हासिल देगा 10 होगा, 10 में से 7 घटा देंगे 3 बचेगा, यहां 1 बचा, 1 में से 1 मरेगा, 1 में से 1 मर जाए, फिर से 3 आ गया जो स्टार्टिंग वाला था, लो आ गया भैया 3, आ गया 3, इसका मतलब कि फिर से हम दशमलव लगाएंगे तो यहां 0 बढ़ जाएगा, तो फिर 30 वाला होगा, इसका मतलब फिर भाग देना शुरू करेंगे तो यही वाला संख्या दोबारा से आना शुरू हो जाएगा, होगा ना, एकदम होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 में 13 से भाग देंगे तो अब ये कितना आएगा, यही आएगा ना 0.23 0 7 6 9, फिर यही आएगा 2 3 0 7 6 9, यानी यही बार बार रिपीट होगा, तो इसको शॉर्टकट में लिख सकते हो 0.23 0 7 6 9, और इस पर प्यारा सा एक बार लगा दो और आगे लिख दो ये अशांत है, और एक ही संख्या बार बार आ रहा है तो आवर्ती है, तो इसको हम बोल सकते हैं अशांत आवर्ती, क्या फील आया होगा, ये अशांत आवर्ती है, ये अशांत आवर्ती है, ये फील आया होगा। मैं बोला हूँ मैथ पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैथ मैं सिखा रहा हूँ, इसका फील सिर्फ आना चाहिए, फील आएगी बस, देखेंगे जरा यहाँ 2/11 आया, 2/11 कैसे करेंगे इसे, सेम वही प्रोसेस कि 2 में 11 से भाग देंगे,
कर लो ना, भाग दे लो, दो में दे लो 12 11 से। सर क्या बात कर रहे हो, भाग कहाँ जा पाएगा? तो जीरो लगा के हम सर दशमलव लगा लेंगे तब तो भाग जाएगा ना। तो हाँ जाएगा, यही तो मैं भी कह रहा हूँ, जाएगा। अब यहाँ दशमलव बढ़ा तो जीरो हो गया, अब 11 11 क्या हो जाएगा, 11। अब यहाँ देखो ये हासिल देगा 10 10 में से एक घटाएंगे 9, यहाँ एक में से एक मरेगा। सर भाग जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। अब यहाँ दशमलव लग गया तो जीरो बढ़ गया, 11 8 हो जाएगा 88। 10 में से 8 घटा दो 2, 8 में से 8 मर जाएगा। सर 10 कैसे होगा, ये हासिल देगा तो 10 होगा ना, 10 में से 8 घटा दो 2। सर फिर तो वही 2 आया ना। हाँ तो आएगा, दशमलव है, जीरो बढ़ा लो 20 हो गया, 11 11 क्या हो जाएगा, 11। 20 में से 18 घटा दो 2 बचा है। सर क्या बात कर रहे हो, क्या भाग दे रहे हो आप, 11 11 होगा, 20 में से 11 घटा दो 9, दशमलव है, जीरो बढ़ेगा, फिर 11 8 कितना हो जाएगा 88, फिर घटा दो 90 में से 88। तो यानी ये बार बार आने वाला है, कभी कटने वाला नहीं है, बार बार आने वाला है ना, बार बार आ रहा है। कौन बार बार आ रहा है? 0.18181818 आता रह जाएगा। मीन्स ये होगा 0.18181818 बार बार आएगा, बार बार आएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 0.18 पे बार, और यहां पे लिख देंगे अशांत आवर्ती, बातें खत्म। बस इतनी इतनी सी काम करते जाने हैं तुम्हें हर क्वेश्चन में, बस इतना सा काम करना है। अब आ जाते हैं जरा 329/400, इतनी प्रैक्टिस है क्वेश्चन की, इतनी प्रैक्टिस कि पूछो नहीं, बहुत प्रैक्टिस होगा क्वेश्चन, बहुत प्रैक्टिस। ये 329/400 सर ये कैसे लगेगा? अरे ये भी वैसे ही लगेगा। अब हम इस 400 से 329 में भाग देंगे। सर कैसे देंगे? तो जैसे देते आए वैसे दो, ऐसे 329 में भाग देंगे हम 400 से। सर कहाँ भाग जा पाएगा, कहाँ जा पाएगा भाग? ठीक है नहीं जाएगा तो हमारे पास तो बहुत विकल्प है ना, यहाँ दशमलव लगा देंगे, इससे पहले हम एक जीरो बढ़ा लेते हैं, दशमलव लगा देंगे, अब यहाँ जीरो बढ़ जाए। सर कितनी बार जाएगा? 9 बार तो नहीं जाएगा ना, क्योंकि 4 9 36 हो जाएगा और ये 32 है, तो 4 8 32 लगभग 8 बार जाएगा, 8 बार। तो 8 4 हो जाएगा 3200, 0 9 मर गया। सर अब तो नहीं जा रहा है ना, तो दशमलव है, जीरो बढ़ा दो, 4 2 1 8 ये हो गया 800, 0 0 9 में से 8 घटा दो 1। सर अभी तो नहीं जा रहा है, हाँ दशमलव है, फिर 0 बढ़ा लो, 4 2 1 8 800, 0 0 10 में से 8 घटा दो 2। सर अब जाएगा? हाँ जाएगा, यहाँ दशमलव है, 0 बढ़ा लो, अब तो 2000 हो गया, तो 5 बार जाएगा, 5 4 20 2000 आ गया, कट के 0। क्लियर? अब क्या होगा, भाग दिए तो इसका दशमलव प्रसार क्या आया, 0.8225। देखो दशमलव के कुछ स्थान आगे तक जाने के बाद समाप्त हो गया, कंप्लीट समाप्त हो गया है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। कैसा है ये? शांत। ये डन, क्वेश्चन जितना भी था क्वेश्चन 1 में सारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 से इसके सेकंड पार्ट में लेके आएंगे, छोटे छोटे टाइम का वीडियो, छोटे छोटे इंटरवल का वीडियो बना रहे हैं, ताकि आप आराम से घर पे बैठ के पढ़ सको, कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, पूरी डिटेल्स आपको मिलने वाला है। हम अपनी क्लास यहाँ ओवर करते हैं, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।